ये दोस्तों आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ जेब्रोनिक के नेक बैंड की तरफ से। दोस्तों ये जो कंपनी जेब्रोनिक ये बहुत ही फेमस होती जा रही है धीरे धीरे। ये दोस्तों अपने म्यूजिक जो प्रोडक्ट इसके मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे बजट में निकाल रही है और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में निकाल रही है। दोस्तों ये जो नेक बैंड है ये 1000 रुपये से भी कम की कीमत में आ रहा है और दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे आपको फीचर भी मिलते हैं। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर पूरी वीडियो है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों मैं इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ, ये जेब्रोनिक का है, इसका मॉडल नंबर है योगा 90 प्लस। तो दोस्तों ये इसका मॉडल नंबर है और कुछ कुछ इसके की जो फीचर है मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ जो सामने मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ जो वर्जन मिलेगा वो मिलेगा 5.0 और दोस्तों इसमें जो आपको ड्राइवर मिलने वाले ये 10 mm के मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छी काफ़ी तेज आपको लाउड इसमें मिलने वाला है। और दोस्तों ये जो इसमें प्लेबैक टाइम मिलता है ये आपको 10 घंटे का इसमें दिखा रखा है, 10 घंटे का इसमें प्लेबैक टाइम मिलता है। और दोस्तों ये दोनों चीजों को सपोर्ट करता है, चाहे आप आईफोन चलाते हो तो सीरी को भी सपोर्ट करता है और कोई भी एंड्रॉइड का फोन चलाते हो तो दोस्तों ये गूगल को भी सपोर्ट करता है। ये है दोस्तों और मैं कुछ आपको इसके कुछ फीचर दिखा देता हूं। तो दोस्तों आपको ये जो नेक बैंड है ये आपको 3 कलर में मिलेगा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो और जो दोस्तों मेरे पास ये जो कलर है, मेरे पास ये ग्रीन कलर है। और दोस्तों इसकी अगर MRP की बात करी जाए तो 2299 इसकी MRP है, पर मैंने आपको बताया है ये 1000 रुपये से भी कम की कीमत में मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे भी इसके कुछ फीचर आते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये पहले आपको ये मिलने वाला है मैग्नेटिक। दोस्तों ये जो नेक बैंड है ये आपको मैग्नेट वाले मिलेंगे, अगर आप इसको ज़्यादा देर गले में रखते हो तो दोस्तों ये अगर आप म्यूजिक इसका बंद कर देते हो या दोस्तों कुछ काम कर रहे हो तो ये आपस में चिपक जाते, तो ज़्यादा इसको हैंडल करने में परेशानी नहीं आने वाली है। दूसरा दोस्तों आपको इसमें कॉलिंग फीचर भी मिलता है, लिखा हुआ है आप इससे कॉलिंग कर सकते हो, काफ़ी साफ काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है। मैंने इसका कॉलिंग फीचर भी ये यूज़ करके देखा है, मेरे को कोई भी डाउट नहीं लगा है। दूसरा दोस्तों आप इसमें ये देख सकते हो इसमें ड्यूल पेयरिंग मिलती है, मतलब कि दोस्तों अगर आपके पास दो फोन है तो एक साथ आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, ड्यूल पेयरिंग का भी इसमें ऑप्शन मिलता है। काफ़ी दोस्तों सॉफ्ट आपको इसका मटेरियल मिलेगा, ये चीज़ भी इसमें बताई गई है। दूसरा इसमें टाइप सी आपको चार्जर मिलेगा, ये अच्छी बात है दोस्तों क्योंकि आजकल हर चार्जर हर कोई कंपनी टाइप सी वाले चार्जर ही निकाल रही है। दोस्तों ये थे इस नेक बैंड के कुछ की फीचर जो मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों इस खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको इसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो दोस्तों खोलेंगे तो कुछ इस टाइप पे ये ऐसा फर्स्ट टाइम आपको दिखने वाला है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे और देखते हैं इसमें क्या आता है। तो दोस्तों मेरे को जो अच्छी चीज़ लगी है वो इसमें आपको एक्स्ट्रा एयर टिप्स भी मिलने वाले हैं, ये देख सकते हो दोस्तों, जो भी आपका काइन का साइज़ है तो वो आपको इसमें अलग से मिलने वाला है। इसमें आपको दोस्तों मीडियम तो आपको इसमें लगा हुआ मिलेगा, लार्ज वाला दोस्तों आपको और स्मॉल वाला इसमें यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरा आपको मैंने दोस्तों बताया था इसमें चार्जिंग इसका केबल मिलने वाला है जो आप किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हो। ये चार्जर दोस्तों केबल की क्वालिटी मेरे को अच्छी लग रही है, इसका कलर जो है ये भी काफ़ी ठीक लग रहा है। दूसरा दोस्तों आपको छोटा सा इसमें इसका कार्ड मिलेगा, आपको QR कोड मिलेगा दोस्तों, इसको स्कैन भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों यही था इसके साथ में आने वाला सामान। तो दोस्तों मैंने नेक बैंड को बाहर निकाल लिया, इसके अगर पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो है ये रबड़ मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा लचीली नहीं है। कंपनी ने वैसे क्लेम तो कराया है दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट मिलने वाली, पर इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप पूरी तरीके से इसको मोड़ सको, यहाँ पे जाके दोस्तों अटक रही है ये, तो बहुत ज़्यादा लचीली नहीं है, ये चीज़ आप याद रखना। दूसरा दोस्तों आपको ये जो सब दिख रहा होगा ये दोस्तों सारी आपको प्लास्टिक मिलने वाली है, पर बहुत अच्छी क्वालिटी की इसमें प्लास्टिक नहीं है, काफ़ी चीप क्वालिटी की इसमें प्लास्टिक मिलने वाली है। दूसरा दोस्तों आपको राइट की तरफ आपको इसमें सारे इसके बटन मिलने वाले हैं, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसका दोस्तों वॉल्यूम का बटन है अप एंड डाउन का। दूसरा दोस्तों आप इससे प्ले या पॉज कर सकते हो। और दोस्तों ये इसका पावर का बटन है। दूसरा दोस्तों आप ये जो बीच में देख रहे हो ये दोस्तों इसकी लाइट दी गई है। दोस्तों इसमें चार्जिंग कम है तो ये रेड दिखाएगी, और अगर आप इससे पेयर करते हो तो दोस्तों ब्लिंक करेगी लाइट, इसकी ब्लिंक करेगी लाइट अगर ये दोस्तों किसी चीज़ से पेयर कर रहे हो। और ये जो छोटा सा आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो ये इसका माइक है, माइक की क्वालिटी मेरे को ठीक लगी है दोस्तों, मैंने कॉलिंग करके देखी है सामने वाले को बहुत ही अच्छे से इसमें आवाज़ आ रही थी, तो माइक की दोस्तों मेरे को कॉलिंग फीचर काफ़ी अच्छा लगा है। दोस्तों इधर की तरफ आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आपको इसकी ब्रांडिंग आएगी जो इसकी कंपनी की है, बाकी कुछ नहीं है। और दोस्तों अगर इसके केबल की यहाँ की तार की बात करें तो ये भी काफ़ी सस्ता सा तार है, काफ़ी पतला है। दूसरा दोस्तों आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो आपको मिलने हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया इसमें मैग्नेट वाले मिलने वाले हैं, ये आपको मेटल वाला मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, ये चीज़ मेरे को इसमें काफ़ी अच्छी लगी है। और दोस्तों ये आपको मैंने मैग्नेट वाला बताया था, पर दोस्तों इसमें ये वाला फीचर नहीं मिलता है कि अगर आप इससे कोई गाना सुन रहे हो तो अगर आप इसको ऐसे चिपका देते हो या चिपक जाता है ये तो गाना स्टॉप हो जाएगा। दोस्तों गाना स्टॉप नहीं होगा, गाना चलता रहेगा, या जो भी आप मूवी देख रहे हो जो भी कर रहे हो तो ये सिर्फ खाली चिपकते हैं, आपका और कुछ काम नहीं करते हैं, तो ये चीज़ भी आप इसमें ध्यान रखना। अगर आपका उस चीज़ का ज़्यादा काम है तो दोस्तों तब ये वाला आप मत लेना। दूसरा दोस्तों आपको मैंने इसकी क्वालिटी बता दी, मेरे को सबसे बढ़िया जो क्वालिटी लगी दोस्तों मेरे को खाली इसकी लगी है, ये जो आपको मिलने वाला है ये स्टील वाला मिलने वाला है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। दूसरा दोस्तों ये जो आपको ये मिलते हैं एयर टिप्स ये भी बिल्कुल बेकार क्वालिटी के हैं, इतने दोस्तों अगर ज़्यादा देर आप इसको कानों में रखोगे तो चुभना शुरू हो जाता है, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं दोस्तों, इसको सॉफ्ट होना चाहिए था कंपनी ने, इसमें करना चाहिए था, पर ये भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है।
फिर भी दोस्तों इसका, और दोस्तों जो इसका डिज़ाइन बताऊं, इसका डिज़ाइन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। इसका जो डिज़ाइन दिया गया है दोस्तों काफ़ी अंदर तक, कान के अंदर तक जाता है, उसकी वजह से दोस्तों बाहर की आवाज़ काफ़ी इसमें दोस्तों वॉइस नॉइस फीस से तो कोई सा भी नहीं मिलता है, पर इसमें काफ़ी हद तक इसकी आवाज़ कट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छे से कान में फिट हो जाता है, काफ़ी अंदर तक कान में जाता है। दूसरा दोस्तों आपको ये जो मिलता है ये भी काफ़ी काम की चीज़ है, अगर आप ज़्यादा जॉगिंग करते हो दोस्तों, इसमें जिम करते हो इसको पहन के, तो और नेक बैंड में क्या दिक्कत आती है दोस्तों कि अगर ये चीज़ ना हो तो बार बार आपके कान से निकलता रहता है, पर ये जो कंपनी ने इसमें ये दिया है इसकी वजह से क्या होता है, ये कान में अच्छे से फिट हो जाता है, उसकी वजह से क्या है आप कुछ भी काम कर रहे हो तो दोस्तों ये निकलने वाला नहीं है। अब जब तक आप खुद से ना निकालो तो ये दोस्तों कितना भी आप निकालने की कोशिश करो, अगर आप कान में इसको ढंग से लगा लेते हो, ढंग से फिट कर देते हो, तो ये निकलने वाला नहीं है। ये भी मेरे को दोस्तों इसका डिज़ाइन और ये जो चीज़ है ये मेरे को इसकी काफ़ी अच्छी लगी है। बाकी दोस्तों मैंने इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको बता दी, बिल्कुल आपको इसकी एवरेज मिलने वाली है, चाहे इसकी दोस्तों यहाँ की बात करें जो रबड़ है ये भी बिल्कुल एवरेज मिलने वाली है, ये जो प्लास्टिक है ये भी बिल्कुल एवरेज मिलने वाली है, और ये जो इसका वायर है ये भी बिल्कुल आपको इसका एवरेज मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी इसकी बिल्ट इन डिजाइन की बात, अब मैं आपको इसका कुछ साउंड सुना देता हूं इसमें कैसा मिलता है, और दोस्तों मैं इसमें गेमिंग टेस्ट भी आपको करके दिखाने वाला हूं इसमें कितनी अच्छी लेटेंसी मिलती है, क्योंकि जो इस प्राइस में दोस्तों ज़्यादातर लड़के लेते हैं वो गेमिंग के पर्पज़ से भी लेते हैं दोस्तों, के उसमें लेटेंसी कैसी मिलती है तो वो भी आपको मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको अपने आईपैड से कनेक्ट कर लिया है, अब मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ कैसे आता है, मैं इस पर एक गाना प्ले करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों आपको, फुल वॉल्यूम पर भी इसका साउंड सुनाने वाला हूँ और हाफ वॉल्यूम पर भी सुनाने वाला हूँ, माइक इसके पास रख के कितना इसमें साउंड आता है। अब मैं दोस्तों इसका वॉल्यूम 50% कर रहा हूँ, 50% पे सुन लिया आप कितना इसका वॉल्यूम आता है। दोस्तों कोई और सा गाना सुना देता हूँ आपको, चला के दिखा देता हूँ कैसा आता है। तो दोस्तों ये थी इसकी साउंड क्वालिटी, मेरे को कैसी लगी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी लेटेंसी दिखाने वाला हूँ, इसमें गेम खेल के दिखाने वाला हूँ इसमें कैसी लेटेंसी आती है। तो दोस्तों मैंने इसमें BGMI लगा दिया, अब मैं इसकी आपको लेटेंसी सुना देता हूँ कितनी आती है, तो आप इस चीज़ पर गौर करना दोस्तों, मैं इस पर टैप करने वाला हूँ, आप ये देखना वीडियो में, ये सुनना कि ये कितनी देर में इसमें साउंड आता है टैप वाला। तो दोस्तों ये थी इसकी लेटेंसी, अगर आप इसको और भी अच्छे से देखना चाहते हो तो दोस्तों ये जो वीडियो का पार्ट है जिसमें मैं लेटेंसी दिखा रहा हूँ इसकी, और भी स्लो करके देखना कैसी आपको लेटेंसी मिलने वाली है। अगर बात करूँ दोस्तों मेरी लेटेंसी मेरे को कैसी मिली है, तो दोस्तों लेटेंसी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर मैं दोस्तों इतनी भी अच्छी लेटेंसी इसकी नहीं मान रहा था, अगर ये 1000 रुपये से भी नीचे का क्योंकि प्रोडक्ट है, उसके बाद भी दोस्तों लेटेंसी बहुत बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं मिलती आपको, जितनी आपको एक अच्छे नेक बैंड में मिलती है, अच्छे दोस्तों प्रीमियम हेडफोन में मिलती है उतनी तो नहीं मिलेगी, पर हाँ जिस हिसाब का इसका प्राइस है दोस्तों उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ ठीक ठाक इसकी में लेटेंसी मिलती है। दूसरा दोस्तों अगर इसके बात करें इसकी साउंड की, तो वैसे आपने सुन लिया होगा साउंड कैसा है इसका, बात करें दोस्तों मेरी ये कितना लाउड साउंड मुझे लगा है, तो दोस्तों मैंने इसका लगभग साउंड जितना भी है मैंने इसका 100% पे सुना है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें लाउड साउंड नहीं मिलने वाला है,
अगर आपको ज्यादा लाउड साउंड सुनने की आदत है तो दोस्तों इतना ज्यादा लाउड नहीं है, आप इसमें 100% पे भी पूरा आप गाना अच्छे से सुन सकते हो। दूसरा दोस्तों, इसमें कंपनी ने बता रखे कि 10 NM के इसमें ड्राइवर है, पर उतना आपको इसमें बेस नहीं मिलने वाला है दोस्तों, बेस इतना आपको इसमें अच्छा नहीं आने वाला है। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट मत करना कि इसमें साउंड क्वालिटी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ऐसा नहीं है। अगर इसी प्राइस रेंज में दोस्तों अगर बोट के आप लेते हो तो उसमें ज़्यादा आपको इसमें बेस मिलने वाला है और बहुत अच्छी इसमें साउंड क्वालिटी भी मिलने वाली है। इसकी साउंड क्वालिटी और बेस मैं ऐसे बोलूँगा दोस्तों, बहुत अच्छी नहीं है पर एकदम बुरी भी नहीं है। बेस तो बिल्कुल ही नहीं है, बेस तो आप सोचना भी मत इसके लिए, पर हाँ साउंड क्वालिटी बोलूंगा ना तो इतनी आपको इसमें लाउड मिलने वाली है ना बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। एवरेज टाइप की आपको इसमें साउंड क्वालिटी मिलने वाली है और एवरेज टाइप की आपको इसमें लाउडनेस मिलने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने इसके साथ में 2-3 और भी नेक बैंड है जो मैंने चेक करके देखे हैं, सेम गाना चला के देखा तीनों पे, पर दोस्तों यही बोलूंगा मेरे को सबसे कम जिसकी वॉल्यूम लगी थी वो इसी की लगी थी, और सबसे जो दोस्तों बोल सकते हैं साउंड क्वालिटी जो लगी थी वो भी मेरे को इसी नेक बैंड की सबसे बेकार लगी थी। बाकी क्योंकि दोस्तों वो जो दो नेक बैंड थे वो थोड़े इससे महंगे भी थे, ये भी रीज़न हो सकता है, पर फिर भी बोलूँगा दोस्तों बोट के जो इसी प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे वो ज़्यादा इससे लाउड भी मिलने वाले और ज़्यादा इससे ज़्यादा बेस वाले भी साउंड उसमें मिलता है। तो अगर आपको ज़्यादा बेस वाला साउंड पसंद है, ज़्यादा वो चीज़ आपको पसंद आती है, तो दोस्तों तब ये वाला आप नेक बैंड मत लेना। पर दोस्तों मेरे को जो इसके सबसे अच्छी चीज लगी है इस प्राइस रेंज में भी दोस्तों, इसकी कॉल क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी है। सामने वाले को भी दोस्तों आपकी आवाज बहुत ही साफ सुनने वाली है और जो सामने वाले की आपको जो आवाज सुनाई देगी वो भी काफी क्लाउड एंड क्लियर आएगी, तो वो दोस्तों मेरे को इसमें काफी अच्छी लगी है क्योंकि मैं इतना एक्सपेक्ट इससे इस प्राइस रेंज में सच में नहीं कर रहा था। दूसरा दोस्तों, मैंने आपको इसका गेमिंग तो बताई दिया, इसमें लेटेंसी कैसी मिलती है तो वो आप पे डिपेंड करता है क्या आप इसको लेना चाहते हो या नहीं। बाकी दोस्तों इसमें जो चार्जिंग टाइम मिलती है, कंपनी बोलती है कि इसमें 1 घंटे अगर आप चार्ज करते हो तो ये फुल चार्ज हो जाता है, पर दोस्तों मेरे को जो इसमें चार्जिंग मिली है वो 1 घंटे से थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लगा है चार्जिंग होने में। दूसरा दोस्तों, आपको सबसे मेन जो होता है इसका बैटरी बैकअप, अगर किसी भी नेक बैंड में आप मेन होता है उसका बैटरी बैकअप के लिए दोस्तों मैं ये बोलूँगा, इसमें कंपनी क्लेम तो कर रही है कि इसमें 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है, पर 10 घंटे का इतना नहीं है बैटरी बैकअप दोस्तों। मैं इसको जितना भी मैंने यूज़ करा इसमें मेरे को 2 बार इसको चार्ज करना पड़ा है, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है। अगर मेरे हिसाब से बोलूँ तो दोस्तों इसमें 7-6.5-7 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है, उससे ज़्यादा दोस्तों मेरे लगता नहीं इसमें बैटरी बैकअप मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 2 बार मैंने चार्ज कराया है, और इतना भी नहीं है दोस्तों कंटिन्यू इसमें गाने सुने हो, ऐसा भी नहीं है कंटिन्यू कुछ चीज़ें करी हो, फिर भी मेरे को इसको 2 बार इसको चार्ज करना पड़ा है। बाकी दोस्तों अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अगर मेरे को इसकी ऑनलाइन कहीं पर दोस्तों लिंक मिलती है वो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हो या फिर चेक कर सकते हो। और अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इस टाइम क्या चल रही है तो दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ये ऑफलाइन मार्केट से, वैसे मैंने ये लिया है प्रोडक्ट, ये 850 से 900 रुपये तक के रेंज में मिल रहा है, बाकी आप है दोस्तों जितना आप कम करवा सकते हो। मैंने जितना का लिया है दोस्तों, मैंने 850 रुपये का ये नेक बैंड लिया है जिसके साथ में दोस्तों मैंने आपको दिखाई दिया था क्या क्या चीज़ें मिलती है। 10 घंटे का इसमें बैटरी बैकअप बता रही है कंपनी, उतना नहीं मिलता है, तो बाकी सब तो दोस्तों आप खुद से देख सकते हो आपको लेना है या नहीं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि मैं दिल से आप सभी का, जितने भी हमारी वीडियो देखने वाले हैं, जितनों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है, तो दोस्तों आप सभी का दिल से थैंक यू दोस्तों, कितना भी बोल लूँ कम रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल दोस्तों 1000 जो सब्सक्राइबर होते हैं दोस्तों हमारे चैनल ने वो पूरे कर लिए, 1000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे हो गए हैं आप लोगों की बदौलत ही दोस्तों। अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब करते या नहीं हमारी वीडियो देखते तो ये सब नहीं होने वाला था दोस्तों। पता है मेरे को कुछ कुछ चीज़ों में मैं अभी तक सही नहीं हूँ दोस्तों, उस पर काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सब चीज़ें ठीक होएगी, मैं करके रहूँगा दोस्तों। इस चीज़ में मैं बड़ा जिद्दी हूँ, फिर भी दोस्तों ये चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ जैसे आप अभी तक साथ दे रहे हो ऐसी आगे भी देते रहना, ऐसी साथ बनाए रखना दोस्तों, और भी अच्छी क्वालिटी में मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, और जितने भी अच्छे प्रोडक्ट आ सकते दोस्तों ले सकता हूँ जिस भी प्राइस रेंज में बोलूँ, सब इस वीडियो पे लाने की कोशिश करूंगा और सबका आपको जेन्युइन रिव्यू भी दूंगा, क्योंकि दोस्तों आप मेरे लिए बहुत मैटर करते हो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और फिर से बोलूंगा दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज की यही थी वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।